एक चरित्र भागवत में छठे स्कंद में आता है, अजामिलोपाख्यान। अजामिल के इस चरित्र से कान कब जद जगत दासीपति रजामिल, अजामिल की जो ये कथा है क्रमानुसार तो पीछे रह गई है, लेकिन यहां मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूं कि ये सत्संग भी तो हो रहा है, तो सत्संग में तो भगवान की चर्चा होती रहनी चाहिए। अगर कोई प्रसंग रह भी गया पीछे, समय अनुसार मैं कह नहीं पाया, तो अब चंद शब्दों में बोल रहा हूं उसका महत्व। अजामिल ब्राह्मण, वेद पाठी, सब कुछ अच्छा, इसके बावजूद भी आंखों से गंदा दृश्य देखा, उसका परिणाम वो दूषित हो गया। उस स्त्री को आप सब जानते हैं जामिल के पूरे चरित्र को, लेकिन मैं मुख्य बात बता रहा हूं, वो ध्यान से सुने। उस स्त्री के पीछे वो इतना मोहित हो गया, मां बाप छोड़ दिए, वेद भी छोड़ दिए, धर्म भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक स्त्री के पीछे। और वो स्त्री भी जैसी थी आप सब जानते हैं, ऐसी स्त्रियों को किसी के तन से प्यार नहीं हो सकता, वो तो धन से प्यार करती है, वो अपना धन भी लूटा बैठा और सारा धन चला गया। और जब गोविंद कृपा करते हैं तो जीवन में संत आते हैं, और जब जीवन में संत आ जाए तो समझ लेना तेरा कल्याण होगा महाराज, निश्चित होगा। लेकिन संतों के बताए हुए मार्ग पर चले जाना, कहीं ऐसा ना हो कि संत बता में और वो मार्ग न चुनो, न चुनो तो फिर कोई गारंटी नहीं। संत आते हैं तुम्हें मार्गदर्शन कराने के लिए, और जब भी संत आवे और मार्गदर्शन करा दे तो उस मार्ग पर चलना, निश्चित कल्याण होगा, निश्चित। सुखदेव जी कहते हैं राजन, संतों के कहने पर उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, अपने बेटे का नाम नारायण रखा उसने, और सिर्फ नारायण अंतिम समय पर उसके मुंह से निकल गया। उसे डर लग रहा था, यमराज के दूध दिखाई पड़ रहे थे। एक और बात बता दो, जब जीव मरता है ना तो उसके सारे कर्म, पिक्चर देखते हो, देखते हो, हाँ सब देखते हैं, बूढ़े तब देखते हैं जब बच्चे सो जाते हैं, जवान बच्चों को लेके चले जाते हैं देखाते हैं, और बच्चे कई बार माँ बाप से छुप के देखाते हैं, नहीं तो कहेंगे पढ़ने नहीं जा रहा, देखते सब है महाराज। कोई भगवत चरणारविंद अनुरागी न देखे तो उसकी बात नहीं, वरना बूढ़े बच्चे जवान सब पिक्चर, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है पिक्चर देखना, कभी कभी तो देख ही लेनी चाहिए, देखनी भी चाहिए। नहीं तो हमारे एक डायरेक्टर साहब है, उनसे मेरी जान पहचान है, मुंबई में रहते हैं, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उनका भी ऐड हो जाएगा। तो वो कहते ठाकुर जी आप फिल्मों की बड़ी बुराई करते हो। भाई मैं बुराई नहीं करता, फिल्मों में दो चीज होती है, एक नेगेटिव रोल एक पॉजिटिव रोल। हमारे बच्चे या हम अगर नेगेटिव रोल देखेंगे तो उसका नेगेटिव असर होगा, पॉजिटिव रोल देखेंगे तो उसका पॉजिटिव असर होगा। मैं कभी भी फिल्मों की बुराई इसलिए कर, क्योंकि आजकल थोड़ा सा जो ड्रेसअप है ना जी, वो थोड़ा सा मतलब सोचो अब उसको कैसे करना है। अगर वो दृश्य दिखेंगे, सोचेंगे, सोचेंगे ख्वाब बनेंगे, ख्वाब बनेंगे तो कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे तो फल बनेंगे, फल बनेंगे तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा तो दुख होगा। एक फिल्म देखी आपने, मैंने नाम तो नहीं याद है, लेकिन उस फिल्म का गाना बहुत अच्छा है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। अब ये कोई कहे कि फिल्म का गाना है, मैं कैसे मान लूं ये फिल्म का गाना है, होगा, लेकिन इसकी शब्दों पर जाइए ना कितने अच्छे हैं। सजन रे, सजन मीन्स अपने मन को कहो, ए मन, मन रे झूठ मत बोलो, श्री कृष्ण के पास जाना है, और वहां न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, फिर तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। मकान बनाना आसान नहीं है, कई साल निकल जाती है मकान बनाने में, निकलती है कि नहीं, और जब उद्घाटन हो तो पता भी नहीं उसमें प्रवेश हम करेंगे कि कोई और। बोलो राधे राधे। मालूम है क्या, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तो कितनी गजब की बात इस गाने में लिखी है उन्होंने, जिसने भी लिखा है अच्छा लिखा है। तो फिल्मों में भी कुछ अच्छाई चीज होती है वो देख लो ठीक है, और कुछ वैसी होती है उनको आंखें बंद करके बैठ जाओ, और क्या करोगे।
बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अपनी आंखों से गंदा दृश्य मत देखो। अजामिल ने देखा, पूरा चरित्र बिगड़ गया। और अजामिल ने तो सिर्फ एक दृश्य देखा था, यहां तो रोज देखते हैं। पुनः एक बात दिला दूं, अब थोड़ी संख्या अधिक हो गई आप लोगों की, यहां पर टीवी पर तो सुन ही रहे। फिर एक बात याद दिला दूं, जब भी तीर्थ में जाओ सुनिश्चित ढंग के वस्त्र पहनकर जाओ, अच्छे वस्त्र पहनकर जाओ। तीर्थ की मर्यादा का उल्लंघन मत करना मेरे भाई, कभी मत करना। हो सके तो, मैंने देखा आजकल के हमारे भाई भी ना वो यहां तक का पहन के आ जाते हैं, यहां तक का जइए का ही पहरे आया, फिर लंगोटी पहन के आ जान। तो बाबा जी तो कम से कम दुनिया तुम्हें संत तो समझती, तेरो भी काम चल जाए तो दुनिया को भी काम चल जाए। तो भाई तेरो काम चल जाए तो गर्मी ना लगती, और संतन को काम दुनिया को काम बन जाए तो वो तो संत समझ के प्रणाम कर लेना। भाई तीर्थ की मर्यादा बना के रखें। हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूंगा, अच्छे वस्त्र पहन कर आवे। बाकी घर में कुछ भी करो, मैं आपको नहीं रोकने वाला। अरे हम भी किसी से कम नहीं, हम भी मॉडर्न है भाई, हम भी दुनिया में जी रहे हैं। हम अपने घर में कुछ भी करें उसे आपको क्या, आप अपने घर में कुछ भी करें उससे मुझे क्या। लेकिन तीर्थ ना आपका है ना मेरा है, तीर्थ एक सनातन धर्म का है, और जो धर्म को क्षति पहुंचाएगा भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे, ये भी निश्चित बात। इसलिए कोशिश करिए कि धर्म को क्षति न पहुंचाई जाए, तीर्थ को क्षति न पहुंचाई जाए। और इसके लिए परम आवश्यक है, विशेषकर स्त्रियां, देवियां, कन्याएं, बालिकाएं, बच्चे हमारे छोटे छोटे, ये थोड़े से वस्त्र जो है कम से कम तीर्थ में। ऐसे मत समझना कि मैं एकदम आप पर, जो करना है आपको करो कहीं भी करो, लेकिन यहाँ कम से कम अच्छे वस्त्र तीर्थों में। बांके बिहारी जी के यहाँ जा रहे हो आप, बांके बिहारी जी के यहाँ गंदे गंदे कपड़े पहन के जा रहे हो, और वहाँ बिहारी जी का दर्शन कर रहे हो आप, बिहारी जी का दर्शन कर रहे, कुछ लोग आपका दर्शन कर रहे। हंसना किस लिए, मैं मजाक कर रहा हूं क्या? किसी 80 साल के वृद्ध से पूछो कि अगर एक कोई भी स्त्री अगर ऐसे खड़ी हो क्या वो नहीं देखेगा? जवानों की तो बात छोड़िए, बूढ़े को पूछो ना आप, ये सच है। और इस सच को कोई बोलना नहीं चाहता मन से, वो इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो हम धर्म सम्राट है। अब मैं धर्म सम्राट नहीं, मैं बालक हूं, मुझे सच बोलने में कोई डर नहीं लगता। अगर ऐसे हम लोग भगवान के तीर्थों में जाएंगे, ऐसे वस्त्र पहनकर जाएंगे, तो आप बिहारी जी का दर्शन करो ना करो, दो चार दस बीस लोग आपका दर्शन जरूर करेंगे। और कई बार तो पुजारी जी भी देखते कि पहले दर्शन में ही कर लेता हूं फिर देखूंगा बाद में। बिहारी जी का दर्शन तो रोज करना, फिर क्यों ऐसा क्यों करते हम लोग, नहीं करना चाहिए। धर्म में विघ्न मत डालो मेरे भाई, बिल्कुल मत डालो, मर्यादा का पालन करो। अपने आप को एक कम से कम भगवान के यहां जाओ तो तब भारतीय बनकर जाओ, जिससे हमारे धर्म को कोई कष्ट ना पहुंचे। बाकी की करोगे तो सब आप अपने मन की, मेरे कहने से तो पूरी दुनिया और पूरा विश्व और पूरा भारत तो सुधरेगा नहीं भाई। मैं तो सिर्फ इन शब्दों के द्वारा कुछ संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं, मान लोगे तो आपका भला होगा और हमारे धर्म को थोड़ी दृढ़वत्ता मिलेगी मेरे भाई, थोड़ी सी। अजामिल ने गंदा दृश्य देखा और वो गंदा दृश्य देखते ही दूषित हो गया। बोले क्यों? बोले जो आंखें देखती हैं मन उसको करने के लिए मचल जाता है। अभी यहां पर आप यहां का असर देखिए ना, यहां लोग कथा सुनते हैं आनंद आता है, कई लोगों के मन में आ जाता है हम भी अपने नगर में ऐसी कथा कराएंगे। क्यों क्यों आता है भाई? क्योंकि आपने ये माहौल देखा, आपके मन में ये बातें आई, और ये सब देखने के बाद मन चंचल हुआ। जो टीवी पे कथा सुन रहे हैं वो लोग हमें फोन कर करके पूछ रहे हैं हमारे नगर में आइए ये कथा हमें कर, क्यों? क्योंकि वो इस सुंदर माहौल को देख रहे हैं। अगर इस सुंदर माहौल को, भक्तिमय माहौल को देखेंगे तो हम वैसा करने की कोशिश करेंगे, और हम अगर एक दूसरे दृश्य को देखेंगे तो हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। जैसा करेंगे वैसा हम आंखें जो देखेंगी वो करने की कोशिश होगी। तो इसलिए विशेष निवेदन आप सबसे मेरा कि अच्छा दृश्य अपनी आंखों से जरूर देखें, बुरे दृश्यों को देखने से बचें।
अजामिल ने संतों के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और नारायण रख दिया। और अंतिम समय पर जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं, वैसे ही हमारे कर्मों की सारी पिक्चर हमारी आंखों के आगे आती है। जब हमारा अंतिम समय होता है ना, तो अच्छे कर्म हो तो अच्छे फल, अच्छी फिल्में होती है, बुरी हो तो बुरे, तो ऐसे सारे दृश्य हमारी आंखों के आगे आ जाते हैं। तो बुरे दृश्य होने पर, बुरे कर्म होने पर हमको यमराज के दूत नजर आते हैं, और जब यमराज के दूत नजर आते हैं तो डर लगता है, फिर बचाओ मारो ऐसे सब शब्द अपने कानों में सुनाई पड़ते हैं। यमराज के जब दूतों का दर्शन अजामिल को हुआ तो वो डर गया, और डरने के बाद अजामिल ने अपने बेटे नारायण को आवाज दी, जिसको वो बहुत प्यार करता था। नाम है उसका नारायण, नारायण उसका नाम है, और उसने बुलाया अपने बेटे को, लेकिन भगवान का नाम मुंह से निकला। क्या नाम निकला? और हम लोग अपने बेटों का नाम क्या रख देते हैं? रखिए जरा, बच्चों का नाम बोलिए आप अपनों का। बच्चों का नाम ऐसे नाम के ऊपर रखिए जिस नाम को आप कभी भी बुलावें तो आपके मुंह से भगवान का नाम निकले। बच्चों का नाम ऐसा रखिए, उस नाम को जब आपका बच्चा सुने तो उसके कानों में भगवत नाम पड़े, और उस बच्चे के नाम को जितने भी लोग पुकारे उतने लोगों का भला हो। तो मेरे भाई, अगर एक नाम से इतने लोगों का भला होता है तो क्या बुराई है? क्या बुराई है क्या? अच्छा, आजकल एक बड़ी समस्या है, अब सब लोग ये सोचते हैं ओल्ड नेम नहीं रखना, न्यू नेम रखना। अब न्यू नेम का रखा है को बताइए, क्या रखना? बोलो नया नाम बताना जरा क्या होता। एक आध मुझे भी सुनवा दो, क्या बुराई भाई साहब, कोई तो बोल दो। क्या नाम? चंदन? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बस ऐसे नए नाम तो कहीं और ही ले जाएंगे और पुराने नाम कहीं और ले जाएंगे। मेरे गोपाल के एक सहस्त्र नाम है। कितने नाम है? एक सहस्त्र नाम है, और ऐसे ऐसे नाम है कि तुमने सुने नहीं होंगे। उन एक सहस्त्र नाम में से, गोपाल सहस्त्र नाम में से एक नाम रख ले अपने बेटे का न्यू, और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। तू एक बार रख के तो देख, रख ले, लेकिन भगवत नाम रखो जिससे हमारा सबका कल्याण हो सके। नारायण का नाम जब पुकारा तो अजामिल का कल्याण हो गया। और नाम जो जपेगा, वो मैं पहले मार्ग बताया था ना, चार मार्गों में से पहला नाम जप, ये मार्ग है नाम जपना।